उड़ीसा रेल हादसे को लेकर सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। इस हादसे को लेकर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बहुत मुमकिन है कि किसी ने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच को लेकर टिप्पणी की तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया। मुर्दे घर में पड़ी थी लाशें, अचानक हिल गया मृत बेटे का हाथ। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन लोगों में 24 साल के विश्वजीत मलिक भी हैं जो मृत घोषित कर मुर्दा घर भेज जाने के बाद भी बच गया। IMF ने AI को लेकर दी चेतावनी, कहा नौकरियों में आएगी परेशानी, नियम बनाने की जरूरत। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गोपीनाथ ने नीति निर्माताओं को आगाह किया है कि कई तकनीकी से सावधान रहने की जरूरत है। गोपीनाथ ने कहा नियम बनाने की जरूरत है। गोपीनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नौकरियों में कमी आने की चेतावनी दी है। दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना, बिहार में चलेगा लू, तमिलनाडु में बारिश की संभावना। दरअसल उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कभी तेज धूप तो कभी वर्षा देखने को मिल रही है, जिसके कारण उमस के साथ तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। IPC रेलवे अधिनियम की धाराओं में GRP बालेश्वर के उपनिरीक्षक ने दर्ज कराई रिपोर्ट। सूत्रों ने कहा जानबूझकर छेड़छाड़ के संकेत पर ही CBI को सौंपी गई है जांच। दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय की स्पेशल क्राइम यूनिट के जांच करने की संभावना। बीजेपी से पूछोगे क्यों हुआ रेल हादसा, वो कहेंगे इसमें कांग्रेस का दोष। अमेरिका से राहुल गांधी का सरकार पर हमला। उड़ीसा रेल हादसे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि भाजपा के नेता और PM से अगर पूछा जाएगा कि ये हादसा क्यों हुआ, वो कांग्रेस पर दोष डालेंगे। नेपाल में बड़ी मुस्लिमों की आबादी, हिंदू बौद्ध घटे, ताजा जनगणना के आंकड़े। दरअसल नेपाल में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी पिछले एक दशक से धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि मुस्लिमों और ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। देश की जनगणना को लेकर जारी ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है।